एक और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही, जहां पर डीआरजी के जवानों के साथ डब्बा कुन्ना के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ हुई है और उसमें 5 लाख का इनामी नक्सली हुर्रा मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 303 बोर की राइफल भंगुआ बरामद की गई है। 5 से 6 नक्सली और भी घायल बताए जा रहे हैं। अभी आपको बता दें कि 10:30 बजे ही ये मुठभेड़ हुई है और सर्चिंग इलाके की जारी है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है। और ज्यादा जानकारी के लिए पंकज सिंह भदौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह देखा जाए कि दंतेवाड़ा में एक नक्सली को जवानों के साथ नक्सली की मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली हुर्रा मुठभेड़ में ढेर हुआ है, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास इस मामले में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो हुर्रा है ये मलंगर एरिया कमेटी में सक्रिय था। दरवा डिवीजन की मलंगर एरिया कमेटी काफी सक्रिय नक्सलियों की कमेटी मानी जाती है और ये जो मुठभेड़ है ये कुन्ना और डब्बा के जंगलों में हुई है। ये बहुत ही दुर्दांत इलाका पड़ता है दंतेवाड़ा जिले का और नक्सलियों के लिए काफी महफूज इलाका पड़ता है। बरसात का मौसम है, नक्सली इसको अपना सुरक्षित ठिकाना मान करके कैंपिंग करके रखे थे, जहाँ 12 से 15 नक्सली मौजूद थे और पुख्ता सूचना दंतेवाड़ा पुलिस के पास मिली थी। जिस तरीके से हमारे विशेष पल्लो एसपी से बात हुई थी, तो इसी पुख्ता सूचना के आधार पर डीआरजी के जवानों की टुकड़ियों ने उनको दो तरफ से कंबाइन करके घेरा है और घेरने के बाद में उनके कैंप पर ही धावा बोल दिया है। इसमें हुर्रा मारा गया है। हुर्रा पर 5 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ पॉलिसी के तहत लगा के रखा गया था। एक श्रीनाथ श्री की राइफल भी बरामद हुई, कुछ नक्सलियों का सामान भी बरामद हुआ। साथ में ये भी खबर मिल रही है कि इलाके की अभी जिस तरीके से सर्चिंग की जा रही है, आसपास में खून के छींटे और धब्बे मिल रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 5 नक्सली और भी घायल हुए। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए पंकज जी।